देखिए, खबर बताने से पहले पहले दो लाइनें, एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ आज। वो गाना है ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। भाई साहब, वो घड़ी आ गई है क्योंकि 12 पारियां निकल गई थी यार, 12 पारियां निकल गई थी। शुभमन गिल के बल्ले से बड़ी पारी नहीं देखी थी। जब से नंबर 3 पर यार इस खिलाड़ी को खिसकाया है, नंबर 3 पर इस खिलाड़ी को जो था, जब से इस खिलाड़ी को डाला है यार, बल्ला ही नहीं चल रहा था। नंबर 3 पर लगातार फ्लॉप हो रहा था खिलाड़ी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, शुभमन गिल ने आखिरकार नंबर 3 पर अपनी पहली सेंचुरी लगा दी है। अब शुभमन गिल ने जैसे ही सेंचुरी लगाई, कुछ चीजें वायरल होने लगी, कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी। उन तस्वीरों को आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद में शुभमन गिल की पारी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शुभमन गिल ने सबसे पहले 100 लगाया 132 गेंदों पर, यह कारनामा शुभमन गिल ने करके दिखाया। जाहिर तौर पर शुभमन गिल की इस पारी की जो है बहुत तारीफ हो रही है, कमाल की पारी शुभमन गिल ने इस पारी में खेली। उसके बाद में क्या था, यह लिखा हुआ है, सुमित घोष ने ट्वीट किया। सुमित घोष ने लिखा, फॉर्म इज टेंपरेरी, क्लास इज परमानेंट, ऑल सेइंग बट वी विल कीप रिपीटिंग दैट एज लॉन्ग एज वी कीप वॉचिंग स्पॉट, एज लॉन्ग एज वी कैन विटनेस टैलेंट लाइक शुभमन गिल। मतलब फॉर्म टेंपरेरी है, क्लास परमानेंट होती है। यह बात हर कोई पहले से कहता है, क्रिकेट में कहीं भी जाती है, और शुभमन गिल पर वो बात बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि विराट कोहली का भी एक वक्त था जब फेल हो गए थे, लेकिन विराट कोहली ने भी उसी तरीके से वापसी की। अब शुभमन गिल ने भी उसी अंदाज में वापसी करके दिखाई है। जिस वक्त शुभमन गिल ने शतक लगाया, सबसे बड़ी बात क्या है, शुभमन गिल ने जश्न नहीं मनाया। शतक लगाने के बाद शुभमन गिल ने जश्न नहीं मनाया, चुपचाप अक्षर पटेल के गले लग गए, और अक्षर पटेल के गले लगकर आंख बंद करके भगवान को शुक्रिया अदा करा कि भाई साहब ये ठीक है। उसके बाद में कोच राहुल द्रविड़ खड़े होकर तालियां बजाने लगे शुभमन गिल की इस पारी के बाद। लेकिन शुभमन गिल की ये पारी आखिर कैसे आई, क्यों शुभमन गिल की इस पारी को अहम माना जा रहा है? दरअसल आपको पता है कि लगातार शुभमन गिल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, उनके करियर को खत्म माना जा रहा था। लेकिन जैसे शुभमन गिल ने शतक लगाया, शुभमन गिल के शतक के बाद जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चर्चा जो है वो ये हो रही है कि शुभमन गिल ने ऐसा क्या काम कर दिया कि जिसके बाद ये शतक हो गया। तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल के इस शतक में अगर आप गौर से एक चीज देखेंगे, वो साफ तौर पर है धैर्य। पहले शुभमन गिल जल्दबाजी कर रहे थे, गलत शॉट खेल रहे थे, गलत शॉट खेल कर आउट हो रहे थे, जल्दबाजी में वो नजर आते थे, टेम्परामेंट वो नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन इस पारी में शुभमन गिल ने धैर्य दिखाया है, कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई गलत शॉट नहीं खेला, कोई जल्दबाजी उन्होंने नहीं दिखाई, और उसका असर भी नजर आया कि शुभमन गिल ने शतक लगा दिया। जिस शतक का इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे थे, शुभमन गिल को जिस शतक का इंतजार था, उनके चाहने वालों को, टीम इंडिया को जिस शतक का इंतजार था, वो शतक आखिरकार शुभमन गिल का आ गया है। तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल का शतक ना केवल टीम इंडिया के लिहाज से, बल्कि उनके करियर के लिहाज से भी एक तरीके से संजीवनी वाला है। शुभमन गिल ने जाहिर तौर पर यह बता दिया दोबारा से कि भाई साहब, अब उन्हें टीम इंडिया से बाहर करने वाला कोई नहीं है। आपका शुभमन गिल के शतक पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। इस पारी को आप किस तरीके से देखते हैं, यह भी बताइएगा। और जिस तरीके से शुभमन गिल ने जश्न नहीं मनाया, चुपचाप केवल आंख बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा किया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, यह भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।